दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आपको एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी बता रही हूँ जिसे सुनने के बाद आपकी ऊर्जा पहले जैसी नहीं रहेगी। तो चलिए बिना आपका समय गंवाए मोटिवेशनल स्टोरी को शुरू करते हैं। तो आज की यह कहानी है हार गया लेकिन खुद से जीत गया। हरीश नाम का एक लड़का था, उसको दौड़ने का बहुत शौक था। वह कई मैराथन में हिस्सा ले चुका था परंतु वह किसी भी रेस को पूरा नहीं करता था। एक दिन उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वह रेस पूरी जरूर करेगा। अब रेस शुरू हुई, हरीश ने भी दौड़ना शुरू किया। धीरे धीरे सारे धावक आगे निकल रहे थे मगर अब हरीश थक गया था, वह रुक गया। फिर उसने खुद से बोला, अगर मैं दौड़ नहीं सकता तो कम से कम चल तो सकता हूँ। उसने ऐसा ही किया, वह धीरे धीरे चलने लगा मगर वह आगे ज़रूर बढ़ रहा था। अब वह बहुत ज़्यादा थक गया था और नीचे गिर पड़ा। उसने खुद को बोला कि वह कैसे भी करके आज दौड़ को पूरी ज़रूर करेगा। वह जिद करके वापस उठा, लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ने लगा और अंततः वह रेस पूरी कर गया। माना कि वह रेस हार चुका था लेकिन आज उसका विश्वास चरम पर था क्योंकि आज से पहले रेस को कभी पूरा ही नहीं कर पाया था। वह जमीन पर पड़ा हुआ था क्योंकि उसके पैरों की मांसपेशियों में बहुत खिंचाव हो चुका था, लेकिन आज वह बहुत खुश था क्योंकि आज वह हार कर जीता था। दोस्तों हम भी तो इस तरह की गलती करते हैं। हमारी लाइफ में कभी भी अगर कोई परेशानी होती है तो उस काम को नहीं करते और छोड़ देते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हो और रोज़ 10 घंटा की स्टडी करते हो और किसी दिन कोई परेशानी की वजह से आप पढ़ाई नहीं कर पाते मगर आपको भले ही 5 घंटा मिले, पढ़ना ज़रूर चाहिए। हरीश की कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि अगर हम लगातार आगे बढ़ते रहे तो एक दिन हम हार कर भी जीत जाएंगे। छोटे छोटे कदम बढ़ाते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, यही सफलता का नियम है। अगर आपको भी ये मोटिवेशनल स्टोरी अच्छी लगी तो कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। अगर आप और भी मोटिवेशनल स्टोरी को सुनना चाहते हो तो आप बिल्कुल सही जगह हो। यहाँ पर आपको काफ़ी सारी मोटिवेशनल स्टोरी का संग्रह मिलेगा जो आपको जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। रोजाना ऐसे ही मोटिवेशनल स्टोरी के लिए हमारे चैनल अल्फा स्टार को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।